तीन लोग यहाँ आए थे कि हम बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से, तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया, 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 5 साल में राजस्थान में जिस तरह की अराजकता चली है और जिस तरह की घटनाएं पूरे 5 साल हुई हैं, इस तरह की हत्याएं, लोगों को गोली मारकर मार दिया गया, जिस तरह गैंगवार हुई और जिस तरह बेटियों को दुष्कर्म के बाद टुकड़ों में काटकर भट्टी में जलाया गया, ये उसी की सीरीज है। राजस्थान के जो एक्टिंग सीएम है अशोक गहलोत, उनको इसके मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी सरकार का जैसे ही गठन होगा हम ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेंगे, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता पर रखेंगे और राजस्थान की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। काल के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। षड्यंत्र था और वो सुरक्षा के लिए कंटिन्यूस 2 साल से मांग कर रहे थे, परंतु उनको सुरक्षा नहीं दी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी दिन दहाड़े घर में बेडरूम में जाके हत्या हो गई। ये बहुत ही कायराना है वैसे तो कार्य, परंतु मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये कोई छोटा इश्यू नहीं है और बहुत बड़ा इशू बनेगा। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, ना बॉडी उठाने देंगे, ना हम यहाँ से जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। और यहाँ नहीं, ये पूरे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान लेवल पे आंदोलन हो, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और जब तक उसके पीछे किन राजनीतिक, मैं कह रहा हूँ हम सब लोगों को बार बार डाउट है, कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे है, राजनीतिक नेता इसके पीछे निकलेगा। सुखदेव सिंह कोई गुंडा बदमाश नहीं था, राजनीतिक करता समाज का नेता था और राजपूतों के जो पीछे जो हाथ धो के पड़े हैं उनको सबक जरूर सिखाएंगे और राजपूत समाज के लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दे, उनको पकड़ा जाए और नहीं तो हम पूरे राजस्थान में आग लगा देंगे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान 22 राज्यों में करने जाना है, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे हम।